छत जो है वो अचानक गिर गई है। तो ये दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन भाई स्क्वीज वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं रूबल धनखड़ फिटनेस। तो आज मैं आपको अपने न्यू वर्कआउट पार्टनर से मिलाने वाला हूं जो सिक्स पैक एब्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले खतरनाक इंसिडेंट हुआ, सुबह 5 बजे अचानक से बहुत तेज आवाज आई, जबकि मैं लेट ही सोया था। तो जाके देखा कि बहुत सारी छत जो है वो अचानक गिर गई है। तो अभी तो उतना नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब गिरी थी भाई बुरा हाल हो गया था पूरा रसोई में। तो मैं आज शूट करने वाला है डाइट की वीडियो, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। जब आवाज़ आई ना, इतना सीमेंट टूट के गिरा, मैं तो पहले घर का रिनोवेशन करवाने वाला था, आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। ये क्लिप में आप देख भी रहे हो कि बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया है। रिनोवेशन की क्लिप थोड़ी सी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मस्त जगह बनाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं तो उसमें भी करते रहेंगे। अभी आज मुझे जिम का सामान भी खरीदना है, वर्कआउट के साथ साथ कुछ जिम इक्विपमेंट डेली यूज में आते हैं उनको भी लेना है। तो भाई इंजॉय करें वीडियो और थम्स अप करें, और नए आए हैं चैनल पे सो सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। खाना क्यों नहीं खा रहा तू? हाँ भाई खाना क्यों नहीं खा रहा है? खाना खाओ खा ले भाई साहब, ये भी आदमियों की तरह नाराज होता है, खा ले बेटा। जितने भी लोग फिटनेस से प्यार करते हैं और हेल्थी रहना चाहते हैं, अभी का जो मौसम है ना, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। दिल्ली में तो स्पेशली 3-4 दिन से बूंदाबांदी हो ही रही है, लेकिन इस टाइम पे ना अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को, मौसम जब चेंज होता है तो पानी का, खाने का, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम चल रहे हैं जिम में, कुछ चीज़ें हैं जो काम की मतलब ज़रूरी है, लेकिन वो थोड़ी ख़राब हो गई है, पुरानी हो गई है, क्योंकि 6-7 साल हो गए तो उन्हें लेने। यह ना बॉर्डर पे बहुत जाम लग गया था, मैंने गाड़ी साइड में खड़ी की थी और यहीं से ले लूंगा, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी है। आओ फिर आप आओ फिर नहीं, थोड़ा बस पूछो मत यार, मैं बड़ा वो हो रहा है बारबल जो वेट के लिए बेंच प्रेस थी। हाँ मेन जुगरी होगी मेरे ख्याल 7 फीट की। ये तो हल्की है यार, वो हल्की नहीं है, पहले 22 किलो की होगी ना सर, पहले 18 किलो गया है। इस मार्केट में फाइट इतनी होगी, कभी कम तो कम होती जा रही है। अच्छा पहले क्या रेट है ना? 2 तो ये होगी और लोग चाहिए जो ये वेट बंद करने के, एक बाइसेप्स की रोड चाहिए। 5 ले रहा हूँ। लेके कैसे जाऊँगा? सफारी में आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। ये वाली नहीं? हाँ ये लोग, हाँ सही हो, हाँ रोड लोग। वो दूसरे तो भी प्लास्टिक वाले नहीं है, टूट जाते हैं, मिलते जाएंगे। अच्छा। वाड़े वाड़ा हो रहा अभी देने के लिए। वो हो गया और पुल्ली वाला, वो हैंडल हो गया, एक वी बार का हैंडल चाहिए। और एक वो पुल्ली वाला प्लेन नहीं होता, हाँ पुल्ली पुश डाउन का, वो सीधे वाला। एक बाइसेप्स की रोड चाहिए, ये चल जाएगा ठीक है। हाँ बढ़िया। स्टेपर चाहिए 2। अच्छा ठीक है, ये ना तोड़ूंगा पहला। मुझे मतलब बहुत डिमांड आ हुआ है, जैसे बेल्ट की, रिस्ट बैंड की, तो कोई अच्छा वो नहीं मिल रहा जो बना दे। बेल्ट चाहिए 2। अरे एक तो मेरे पास भी रखी है घर में, मैं भूल ही गया था मेरे पास भी ये वाली बेल्ट। ना नॉर्मली तोड़ देंगे, बड़ा जिम में चाहिए। तो भाई अकेला 1500 किलो पे, बाइसेप्स दिखा दे एक बार, ऐसे देख कितना वेट पड़ा है। 40 के डंबल, 20 के डंबल, 35 के डंबल और दुनिया भर की प्लेट अकेला चढ़ा देगा, चढ़ा देगा। आज शाम को मेरा सामान भी ले आइए ठीक है। मैं ना बहुत थक जाता हूँ, मतलब पूरे दिन ना मेरा शेड्यूल जो है बहुत टाइट रहता है। वर्कआउट करना है, डाइट करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, घर के काम, बाहर के काम, ब्रांड के काम और खुद के भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में प्री वर्कआउट की नीड मुझे पड़ जाती है, और मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ गया और हाथ पैर हिला के आ गया। तो इंटेंस वर्कआउट के लिए मैं यूज़ करता हूँ प्री वर्कआउट, मैं यूज़ करता हूँ रोटेक्स, ये मसल बेस का है। और भाई साहब जब से मैंने ये लिया ना, पूरी प्रेप में मैंने यूज़ किया है, और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वही आपको दिखाता हूँ। मेरा ये डब्बा फिनिश है, ये डब्बा मेरा थोड़ा सा बाकी है, उससे पहले ही ऑर्डर मैं कर चुका हूँ।
ये तीसरा न्यू पैक। इसकी खास बात क्या है ना, सबसे इसमें क्रैकिंग एनर्जी है, वेन शटरिंग पंप है, एक्सट्रीम एंड्योरेंस है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और थर्मोजेनेसिस है। इसमें कैफीन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है और ये स्पेशली ना प्री वर्कआउट मेरी नींद को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब मेरा बीपी नहीं छेड़ता है और वो होती है ना बेचैनी बहुत सारे प्री वर्कआउट को लेकर, वो नहीं है इसमें। बहुत इंटेंस फोकस के साथ वर्कआउट होता है और अच्छा परफॉर्म होता है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छा फोकस मिलता है, अच्छी एंड्योरेंस पावर सब मिलती है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका जो स्लोगन है नो डिस्ट्रैक्शन मसल इन एक्शन, आप भी इसे बाय करें, 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके इसको बाय जरूर करें। सो, मैं अभी जिम के लिए जा ही रहा था कि मौसम ने फिर दिखा दी है रौनक और बरसात फिर शुरू हो गई है। मैं अभी जिनके साथ आजकल 10-15 दिन से जिनके मोटिवेशन और जज्बे को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ वर्कआउट में, आज मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। और 10 केजी अपना वेट घटा चुकी हैं और अपने एब्स को शो कर रही हैं आजकल मुझे, तो वो हैं हमारी धर्म पत्नी जी। और आजकल मुझे डाइट और उस पर लेक्चर भी दे रही हैं कि टाइम हो गया, जाओ कार्डियो करो, वर्कआउट करो। तो अब हम सीधा कहाँ जा रहे हैं? जब से ये जिम आना कंटिन्यू किया है, डाइट करना शुरू किया है, तो इनके तो मतलब फैट लॉस तो हुआ ही है और एक मोटिवेशन मुझे भी दिया है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं और जिनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन ये है, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे बड़े, एक 9 साल का हो जाएगा, एक 4 साल की। तो उसके बाद आके रिकवरी करना बिना किसी हार्मफुल सब्सटेंस के, बिना किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के, सिर्फ घर के खाने से। तो मैम एक बार मुझे वो मोटिवेशन तो जबरदस्ती दे रहे हो कई दिन से, वो दिखा दो। स्क्वीज, वेरी गुड। तो ये अभी आने शुरू हो चुके हैं 6 पैक एब्स। पूरे घर का काम करने के बावजूद ये मैम आती है और चिपक जाती है। क्या होता है क्रॉस ट्रेनर में, मेरे से तो नहीं होता भाई ये। तो 15 मिनट जरूर वार्म अप कीजिए, बहुत जरूरी है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। एक तो हैवी वेट नहीं करना है कोई भी हो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ उतना ही वेट लगाओ जिसके आप रेपिटेशन अपने आप लगा सके बिना किसी हेल्प के। दूसरी चीज़ फॉर्म और एक्यूरेसी, मसल माइंड कनेक्शन, बस ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है, रिजल्ट 100% मिल जाएंगे। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move is on the... जब सिंगल हैंड लगाते हैं ना बहुत सारी गलतियाँ होती है स्पेशली, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पैर रख के नहीं करना है, ऐसे ना, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। आपको रोइंग आप पैर रखो, एक हाथ का आप यूज़ कर सकते हो, लोअर बैक अंदर फिक्स, शोल्डर सामने, आप सिर्फ हाथ की मूवमेंट करनी है, करो बस सिंपल। स्क्वीज कर दीजिए पीछे, नीचे जाने दे। मैं पैर रख के नहीं लगाता, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं ऐसे लगाऊंगा इसको। अगर थोड़ा अलग तरीके से परफॉर्म करना है तो डंबल को बस क्या करना है, ऐसे से ऐसे मोड़ लो और इसे ट्राई करके देखना ये। मैं जब भी बैक करता हूँ तो इस एक्सरसाइज को हमेशा सबसे पहले परफॉर्म करता हूँ, स्पेशली जब मैं कंपीट कर रहा था, मेरी बैक को सबसे ज़्यादा सराहा गया था, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिशिएट किया था। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करो, इसमें भी वो ये लोअर बैक को फिक्स करना है स्टैंडिंग, हाँ कलाई, चलो ये स्क्वीज ना, शोल्डर यूज़ होंगे, कोर टाइट, बस यही ध्यान रखना है। मैं जब भी इसको परफॉर्म करता हूँ, आप एक चीज़ नोट करना, जब भी आप बैक करते हो तो आपकी सेकेंडरी मसल जो है
वो बाइसेप्स यूज हो रही है, तो आपको फटीग जो है ना बाइसेप्स से नहीं आना चाहिए, आपकी थकान जो है बाइसेप्स पंप से नहीं होनी चाहिए, बैक पे फोकस करो। उसका तरीका क्या है, एक सिंगल सी ट्रिक है, जब आप ये लगा रहे हो तब आप यहाँ तो गए स्क्वीज किया, लेकिन यहाँ पे आके आपको पूरा हाथ ऐसे खोलना नहीं है। मैं पहले ऐसे करता था तो मुझे ना फेलियर जो मिलता था वो बाइसेप्स से मिलता था, अभी थोड़ा सा चीट करते हैं, यहाँ पे स्क्वीज किया और यहाँ पे बस बैक खोला, हाथ सीधे नहीं किए, हाथ मतलब सीधे करने का मतलब है यहां से ये थोड़ा सा चीट करना। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page। पार्टनर के साथ वर्कआउट करने के फायदे है ना, नुकसान भी उतने हैं। सारा वेट मेरे को, मैं किसी और के साथ ट्रेनिंग करता हूँ ना तो मुझे वेट डालने को मतलब डालना नहीं पड़ता, डाल देते हैं, लेकिन मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो मुझे डालना और निकालना पड़ रहा है। वो अलग बात है, घर पे सारा काम आप करते हो। अभी जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले ना, मेरी फेवरेट बन गई जब से मैं ओमार सर के साथ ट्रेन कर रहा, वेंचुरा रो, और पेटेंट है भाई उनका, मेरी एक्सरसाइज नहीं है, मैं सीखता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज मेरी नहीं है। आप एक ही एक्सरसाइज को बहुत सारे तरीके से हिट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि यही फिक्स है, इसको इसी तरीके से करना है, हर बॉडी टाइप अलग है। तो मैं तो देखो उसमें थोड़ा सा ना कर लेता हूँ 19-20 तरीका चीज। अभी जैसे वेंचर रो करनी है, तो वेंचर रो में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बेंट ओवर रो की पोजीशन में खड़े हो गए, अब यहाँ से 3 रैप बेंट ओवर के लगाने, 1, 2, 3, अब जब 3 पूरे होंगे तो यहाँ से रैक पुल करना है, 4, फिर दोबारा बेंट होना है, 1, 2, 3, 4 पे स्क्वीज, पेटेंट है और ऐसे ही पेटेंट नहीं मिलता है, बहुत ही क्लास एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा। शोल्डर विड्थ से उठाना है, लोअर बैक को फिक्स करना है, चेस्ट को अप करना है, अब यहाँ से स्क्वीज करना है ऊपर, बेंट ओवर, एल्बो साइड में, यस, कलाई, 1, 2, 3, अब नीचे आया, अब इस खड़े हो गए 4 पे, ये रोड सीधी, अब फिर और झुको, अब यहाँ से लगाओ, 1, कलाई, 2, 3, ट्रैक पुल, खड़े हो जाओ, वेरी गुड। 20 किलो से भारी रोड है, तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं आज मैंने इनको, मुझे ऐसे मन किया कि आपको भी बतानी चाहिए और मैं भी इसे परफॉर्म करता हूँ तो मैं इनसे भी ट्राई करवा रहा। तो इस एक्सरसाइज को करें, ईगो लिफ्टिंग में नहीं करना, क्योंकि दो तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली बेंट ओवर और रैक पुल एक साथ हो रहा है, करने का तरीका अलग है, मसल्स अलग तरीके से इंगेज होती है और इंजरी के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं जितने रिजल्ट है, तो देख लेना। इसके बाद 15 मिनट आप जो स्पेशली ये 3-4 एब्स की एक्सरसाइज करती हैं, आजकल मुझे भी लगाया, मैं पहले नहीं करता था, मुझे मज़ा आ रहा करने में, एक तो बेंच पे दो जाती है मेरी बेंच पे, और रोप, एक ये वाली रोप, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें बस कुछ नहीं चेंज करना है, एक किस्म से लेग रेज लगाते हैं ना, ये तो वो थी, अब इसमें बस हमें अपने नी को फोल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Things what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. आप अपनी बॉडी को किसी भी टाइम और किसी भी एज में आके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको लगन की जरूरत है और एक अपने दिमाग से मिथ और निकालने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे लोगों के घर में ये है कि भाई सप्लीमेंट है या प्रोटीन है तो वो सिर्फ मेल के लिए है, यंग लड़के के लिए है, ऐसा नहीं है, उसे लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, उसे मैरिड वूमेन भी यूज़ कर सकती है, मेरी वाइफ भी यूज़ करती है, तो आप भी हेल्थी वे में यूज़ कर सकते हो। अगर आप थके हुए, जैसे हम दोनों बहुत मतलब बच्चों का ख्याल रखती है, पढ़ाई करती है और भी सारी चीज़ें हैं, तो प्री वर्कआउट ये भी यूज़ कर सकती हैं, मैं तो करता ही हूँ वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये हमारे लिए बना है, इनके लिए नहीं है। प्रिकॉशंस ज़्यादा हैं, मेहनत थोड़ी अलग तरीके से है, ठीक है, डाइट भी अलग तरीके से, क्योंकि वेट का फ़र्क है, बाकी हम दोनों सेम मील खाते हैं, इनका ग्राम कम होता है, मेरी मील में ग्राम थोड़े ज़्यादा होते हैं, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। नॉन वेज की बात है तो आप खुद को, आपको पता है मैंने कब शुरू किया, आप तो बनाते भी नहीं हो, तो आप ही बता दो मैंने खाया कब। 18 में शुरू किया था, और मैं अभी भी कोई नॉन वेज का लवर नहीं हूँ, इसके बारे में बता दो।
एक्चुअली जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना तो लोगों को ये रहता है कि बिना चिकन के मतलब ट्रीट ही नहीं है। हाँ। तो रुबल का ये रहता है हाँ ठीक है आ गया, मतलब घर पे तो मैं डेली खाता ही हूँ ना, तो वो चीज़ ये अवॉइड ही करते हैं बाहर जाने के बाद। मैं बिल्कुल हार्डकोर वेजिटेरियन फैन हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से जब प्रोटीन नहीं मिलता है मेरी बॉडी को 300 ग्राम या मेरे कोच बोलते हैं तब मैं खाता हूँ, नहीं तो मैं ओकेशनली मतलब सीजनल खाता हूँ, नहीं तो मैं वेजिटेरियन फूड को प्रेफर करता हूँ। अभी भी कितने दिन से वेजिटेरियन था, और ये मिथ है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं। हाँ, आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, जैसे पनीर खाना है तो कितना खाना है, वेजीज खानी है तो कितनी खानी है, और चीज़ें किडनी बीन्स चिक पीज इन चीज़ों टोफू इनसे आप प्रोटीन निकाल सकते हैं। हमारे लीवर को यहाँ नहीं पता है कि वो प्रोटीन किस चीज़ से ले रहा है, हमें पता है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई माताएं बहनें या कोई भाई वेजिटेरियन है तो रहो यार, कोई प्रॉपर वेजिटेरियन है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी पिन डाउन कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और उम्मीद करेंगे कि इन्फॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, मैम का भी अपना भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।